कम से कम कल फर्रुखाबाद में 10,000 लोग थे। तो असली पीडीए वो है कि जवान भी पीडीए है, लेकर नाम पीडीए का लूटा है कत पिछड़ों का। और 7.5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक जन की हानि हुई है। ये हमारी पार्टी किसी को लोडर नहीं बनाती है, लीडर बनाती है। जब भी गरीबों मजलूमों के हक की बात होगी तो ओमप्रकाश राजभर हमेशा आगे मिलेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मंच पर आप देखेंगे तो यहां पर सुभाषपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। आज बड़ी समीक्षा बैठक है प्रदेश स्तरीय और तमाम पदाधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। लेकिन दूसरे तरफ की अगर बात की जाए तो सुभाषपा इस उपचुनाव में मैदान में नहीं उतर रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो बहराइच में जो घटना हुई उसमें उसको लेकर के लगातार अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार सत्ता पक्ष पे प्रहार करता रहा। अब कोशिश करेंगे ओम प्रकाश राजभर से समझने की क्या कुछ उनका कहना है। और दूसरी तरफ जो ये जो पूरी उपचुनाव की जो गतिविधियाँ जो चल रही हैं उस पर इनका क्या कहना है। देखिए, हर महीने भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश की बैठक होती है। 75 जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, सभी लोगों को बुलाया जाता है। सभी लोगों के काम, जो पिछले बैठक में जो काम दिया गया उसकी समीक्षा होती है कि इनको कहाँ परेशानी हुई, कि एक संगठन बनाने में उनके निस्तारण किया जाता है, उनकी व्यवस्था बनाई जाती है, दूसरे और नेता लगाए जाते हैं। आगे फिर एक महीने के लिए उनको काम दिया जाता है कि आगे क्या क्या करना है। यही उद्देश्य होता है पार्टी की बैठक का। सर, 9 सीटों पर चुनाव होने वाला उपचुनाव, क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या रहेगा? देखिए, जनता भी जानती है कि विपक्ष को वोट दे के जिताने के बाद वो विपक्ष का नेता 2.5 साल चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कैसे करें। तो जनता भी जानती है कि सत्ता को जिताना है। विपक्ष भी कहता है कि ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है सर, लेकिन समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। अब वो लोग उनका विषय है और हम लोगों का अपना विषय है, हमारे एनडीए गठबंधन का अपना विषय है, उनके गठबंधन का अपना विषय है। कितनी सीटें आ रही है एनडीए गठबंधन में? कितनी? अब तो घोषणा हो गई है, जनता मालिक है और जनता के बीच में सभी लोग जा रहे हैं और रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा 23 तारीख को। एनडीए की काट कैसे खोजेगा, उसमें आपकी क्या भूमिका है? कल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फर्रुखाबाद में मैं था, देखा कि नहीं देखा? भैया, कम से कम कल फर्रुखाबाद में 10,000 लोग थे। तो असली पीडीए वो है कि जवान भी पीडीए है, लेकर नाम पीडीए का लूटा है कत पिछड़ों का। आज 20% मुसलमान सपा कोट देता है, कांग्रेस कोट देता है, बसपा को, बीजेपी को अपना दुश्मन मानता है। आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना विकास किया कि 1% नहीं रह गया। बोरा का बोरा वोट देता है सपा बसपा कांग्रेस को, पाता क्या है, खाली झोरा, फिर झोरा लेके घूमो, वोट इकट्ठा करो, फिर चुनाव आए वोट दो। पुलिस की भर्ती, लेखपाल, ग्राम सेवक की भर्ती हो, SDM की भर्ती हो तो उनकी पूछ नहीं है। विरोधी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को। 51 मुसलमानों के बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के डर से, योगी जी के भय से, ये है इतिहास। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि बहराइच हिंसा का सीधा सीधा अखिलेश यादव आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा। देखिए, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था, जकरे 72 छेद, 815 दंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई, 600 दंगे बसपा की सरकार में हुए और 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार थी तो उनका तो रिकॉर्ड टूट गया है। और 7.5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक जन की हानि हुई है। और धन्यवाद देता हूं अपने ADG को और वहां बहराइच के पुलिस प्रशासन को कि बुद्धिमानी से जो बड़ी साजिश थी उस साजिश को नाकाम किया और सरकार की जो मंशा थी कि कानून का राज हो, उन्होंने कानून कायम किया। एक आखिरी सवाल ये बता दें कि इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे 27 को? हम लोग संगठन के संबंध में इनको दिशा निर्देश देते हैं। जो अभी नई स्कीम 0 पॉवर्टी लागू हुई है, हर गांव से 25 परिवार का चयन होगा, उनको आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, आयुष्मान कार्ड,
सारी सुविधा शिक्षा फ्री दे करके उनको विकास के मुख्य धारा में ले आएंगे। 15 लाख परिवार ऐसे लाभान्वित होगा, 5 लाख बिना ब्याज का हम नौजवानों को कर्ज देने जा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल पास, 11 साल उम्र और 21 से 40 साल की उम्र के लोगों को हम 5 लाख लोन देंगे। नौजवान रोजगार करेगा, उसका ब्याज सरकार भरेगी, वो कमा करके अपना मूलधन जमा करेगा। तो आपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को तो सुन लिया, लेकिन उनकी टीम जो मंच पर मौजूद थी उनसे भी बात कर लेते हैं। बात यहाँ तक के कह दी गई, जो मंच पर बैठे उन सभी को मंत्री बना दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज पहली बार किसी नेता ने अगर कुछ कहा है तो वो आप ये जान लीजिए, हमारी पार्टी किसी को लोडर नहीं बनाती है, लीडर बनाती है। और माननीय मंत्री जी ने अगर कहा है कि वो सबको मंत्री, अभी तो एक ही मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर और 50 मंत्री बनने बाकी हैं, 58 कहे हैं माननीय मंत्री जी ने, तो उनकी भाषा और उनकी बात को हम लोग सदैव वचन समझते हैं। आप ये जान लीजिए कि 58 मंत्री 2027 में हमारे होंगे। दूसरी बात ये भी कही कि भाजपा कर्व जो 14 में बढ़ा था वो 24 में आते आते नीचे की तरफ जा रहा है और सुभाषपा कद बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले समय में जो चाबी अभी जो दी गई थी मंच पे, क्या वही चाबी सब ताला खुलेगा सरकार का? देखिए, अभी चुनाव आयोग ने हम लोगों का चुनाव निशान पुराना छड़ी कर दिया है और उसी चुनाव निशान छड़ी से हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। और इंशाल्लाह ये जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है इसने पूरी ताकत के साथ सुभाषपा के साथ खड़ा है और 2027 में ये अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और पासमानदा समाज ये दिखाएगा कि सुभाषपा के अंदर कितने लीडर हैं और कितनी तादाद में सुभाषपा को मुसलमानों का वोट प्राप्त हुआ। क्या सत्ता की चाबी सुभाषपा के पास अब होगी? देखिए, सत्ता की चाबी यकीनन ये तथ्य नहीं है, सत्ता की यकीनन जिस प्रकार से ज़मीनी तौर पे हमारी पार्टी, हमारा संगठन लगातार उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान का आयोजन किया, लेकिन उस आयोजन के बाद भी वो उस मानक पे नहीं आ पाती। आज हम एक बड़े मानक पे काम कर रहे हैं, एक बड़ी इकाई हमारी काम करिए और यकीनन आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा दिए गए जो भी वचन है वो हम तमाम लोग समाज के बीच पहुँच रहे हैं और समाज को उससे लाभान्वित करके बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर गरीबों का मसीहा है, शोषित वंचित की आवाज है और जब भी आवाज उठेगी, जब भी गरीबों मजलूमों के हक की बात होगी तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा आगे मिलेंगे। दूसरी बात कहले, टोपी बदली नहीं है, इसका बहिष्कार हो चुका अंदर? इसका बहिष्कार नहीं हुआ, इसकी आज घोषणा हुई है और यथाशीघ्र सब चीजों पे भी जो भी चीजें बदलाव हुई उनको बदलाव कर लिया जाएगा। अगली टोपी आपकी छड़ी लगी रहेगी? हम लोग छड़ी से ही दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तमाम उन लोगों को जो हमारे शोषित वंचित समाज के खिलाफ खड़े होंगे, दौड़ा के मारा भी जाएगा। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? शिफ्ता सिद्दीकी। आपसे बात करें, यहाँ पर तो ग्राउंड स्तर पर आपके जो तमाम जो दिग्गज खड़े हुए हैं, जो माइनॉरिटीज है उसको लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहे, और ऐसे ही मंच पर पहले अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री महोदय की बात करें तो वो भी ऐसे मंचासीन होते थे, लेकिन इतनी बड़ी बैठक नहीं कर पाते जितने आप लोग के नेता कर रहे हैं। आगे की तैयारी कैसी है? जैसे कि आज हमारा समीक्षा बैठक हुआ है और इतने ज़्यादा गैदरिंग में हुआ है, तो हम लोगों का भी पूरा ऐसे ही प्रयास रहेगा कि अगला जब भी मंच साझा हो इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम एकत्रित होकर हर मुसलमान खासतौर से अल्पसंख्यक की भीड़ इकट्ठा कर सके और माननीय जी का मनोबल बढ़ा सके। तो माइनॉरिटीज़ के वोट को टारगेट करने के लिए आप लोग को मैदान में उतार दिया गया है, इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा को तो 1% वोट मिला था अभी लोकसभा चुनाव में। बस हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कितने परसेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम मुसलमान अल्पसंख्यक तादाद में आगे आएंगे, बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में इसका अपग्रेड करेंगे। लेकिन आपके नेताजी ने एक भी सीट उपचुनाव मांगी नहीं? देखिए, ये उपचुनाव है, उपचुनाव में जो है हम लोगों की तैयारियां 2027 की हैं और उपचुनाव में हम लोग 9 की 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट अभी फंसी हुई है और इन 9 सीटों पे हम लोग NDA का समर्थन करेंगे और पूरी ताकत के साथ NDA को हम लोग जो है 9 की 9 सीटें जिताएंगे। दिल में ये नहीं आया कि एक सीट तो कम से कम नेताजी को आपके मांगनी चाहिए थी? ज़रूरत नहीं थी, इसलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं मांगी। ज़रूरत नहीं थी। आप कहाँ से? मैं अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या में तो बड़ा खेल कर दिया आप लोगों ने अपने ही घटक, अपने ही पार्टी के साथ। हम लोगों ने क्या खेल कर दिया? बिल्कुल खेल कर दिया, जो राम को लाए थे वो आए ही नहीं। वो नहीं आए हैं, हर जगह लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं, साइकिल वाले वो भी। हाँ, ऐसा नहीं है,
अभी जो चुनाव जब नज़दीक आएगा तो आपको दिखाई देगा चुनाव में कि मिर्कीपुर में, हाँ मिर्कीपुर में कि किसका अभी जो सीट थी अभी तक चुनाव डिक्लेयर ही नहीं किया चुनाव आयोग, तो वो चुनाव आयोग ने अभी डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी ने उसमें जो है आपत्ति दायर कर दी थी, अब वापस ले ली है, तो उसमें जो है उदेश प्रसाद जी ने जो है कुछ आचन लगा दी है, तो अब जब ये साफ होगा तो वहाँ का चुनाव। प्रसाद जी तो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं उन्होंने, जबरदस्ती आप लोग आरोप लगा देते हो। देखिए वास्तविक पृष्ठभूमि पे अगर हम बात करते हैं तो यकीनन जनता का कुछ रोष था कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन अब हम उन चीज़ों को समन्वय में ला चुके हैं और यथाशीघ्र जो भी इस उपचुनाव में भी जो परिणाम देखेंगे वो ऐसे चमत्कारी परिणाम होंगे जिस प्रकार से सपा ने और कांग्रेस ने ये फैलाने की कोशिश की कि संविधान विरोधी हैं और फैलाने धमाके, ये सारी मिथ्याएं दूर हो चुकी हैं और अब उपचुनाव में वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाएगी एनडीए घटक दल के साथ राजभर जी की सरपरस्ती में। अल्पसंख्यक समाज भी वहां से वोट भी शेयर निकालेगा और तमाम उन मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की हमारी टीम गठित हो गई है, हम वहां से भी ओम प्रकाश राजभर जी को की झोली में जीत देने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे लूंगा, चुनाव तो बिल्कुल सर पर है और मिल्कीपुर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है 9 सीटों पर चुनाव कर लेंगे और एक सीट पर सारे मंत्री उतार देंगे, इवन प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे उस सिर्फ एक सीट के लिए। जी सर, एक विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है एक सीट के लिए, बात वो नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि आज के डेट में मुसलमान जागरूक होकर के पूरी तरीके से पार्टी में उतर चुका है और बड़ी मेहनत के साथ पूरा जाल बिछा हुआ है, समझ लीजिए बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। अगर मान लिया अभी एक भी सीट हमारी पार्टी को अगर हम नहीं लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आने वाले समय में हम पूरी तरीके से पूरे विधानसभा में जो भी हमें सीट मिलेंगी हम उनको जिताने का काम करेंगे। सवाल तो मैम ये मैंने किया कि वहाँ पर सारे मंत्री उतरेंगे जब अभी मिल्कीपुर का जब चुनाव होगा, जब टी सीट डिक्लेयर हो सारे मंत्री उतर आएंगे और बाकी 9 सीटों पर जो भी चुनाव होगा वो अलग और मिल्कीपुर का एक अलग होगा। नहीं, ये उदाहरण के लिए कहा गया है कि मिल्कीपुर, वो तो अब जरूरी नहीं है ना सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज कर दें, बहुत सी चीज़ हाइट चली, समय आने पर उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा। समय आने पर रिप्रेजेंट होगा, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि 9 सीटों पर जो चुनाव होगा वो तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है उसको लेकर के सारे मंत्री मैदान में उतरेंगे देखने को मिलेगा। और आपने शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर जी को भी सुना कि क्या कुछ कहा है उपचुनाव को लेकर के, और तमाम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, और बड़ी बात यह है 2027 के चुनाव को लेकर के काफी अग्रसर हैं, उपचुनाव में तो एक भी प्रत्याशी अपना उतारा नहीं है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, सभी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, मैं हूं क्षितिज कांत कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।